बिजनौर में बदमाशों ने घर में घुसकर किसान पर की फायरिंग। पालतू कुत्ते ने जान देकर निभाई वफादारी। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव पांडला में बदमाशों ने घर में घुसकर किसान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। फायरिंग की आवाज से गांव में लोग जाग गए। ग्रामीणों को आता देख बदमाश दीवार कूदकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सरदार लखविंदर सिंह ने घटना की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना के पीछे रंजिश बताई जा रही है। वफादारी का ऐसा उदाहरण कम ही मिलता है। मालिक की सुरक्षा में एक बेजुबान ने अपनी जान गंवा दी। किसान के दो कुत्तों ने बदमाशों से मुकाबला किया। बदमाशों ने एक कुत्ते को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कुत्ता बाल बाल बच गया। गाँव वालों के जागने पर बदमाश भाग गए। किसान ने थाने में तहरीर दी है। पांडला गांव निवासी सरदार लखविंदर पुत्र जनरेल सिंह का घर गांव के निकट पूर्व दिशा में है। लखविंदर ने बताया कि सोमवार आधी रात को आधा दर्जन से अधिक बदमाश उनके घर में घुस गए और उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज पर घर में मौजूद कुत्तों ने मोर्चा संभाल लिया और बदमाशों पर टूट पड़े। कुत्तों के आक्रमण अंदाज को देखते हुए बदमाशों ने एक कुत्ते को गोली मार दी। गोलीबारी में एक कुत्ते की मौत हो गई, जबकि दूसरा कुत्ता लगातार हमलावर रहा। किसान ने दीवार की साइड में होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण भी जागे और घटना स्थल की ओर दौड़े। सीओ चांदपुर भरत सोनकर ने बताया कि रंजिश में एक पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लखविंदर सिंह, आपके पापा क्या नाम है? जरनैल सिंह। क्या मामला है, पूरा क्या जानकारी है? मामला क्या रहा था, आने की जैसे उन्होंने एकदम हमला कर दिया मेरे ऊपर, गोली चलाई उन्होंने आके एकदम। उसके बाद में फिर कुत्ते को गोली मार गए। कुत्ता ना होता तो रात मेरी मौत थी। रात कोई पुरानी रंजिश? 1 जनवरी को नए साल में हुई थी नीम के साथ। क्या हुआ था उसमें? उसमें भी उन्होंने रास्ते में रोक के मेरे साथ मार पिटाई करी थी। कहाँ पे? इबर फैक्ट्री के पास ही। अच्छा। नीम सनीम उसके लड़के थी और उसके चाचे बाबे के कहीं कहीं जाने थे। उस दिन भी मेरे साथ मार पिटाई हुई। उसमें 2 तो जेल चले गए, 2 अब तक 2 फरार हैं, 2 नहीं अभी पकड़े गए। आपने रात की घटना की जानकारी पुलिस को दी? नहीं अभी नहीं दी, अब जा रहे हैं हम। पुलिस रात बाकी आ गई थी यहाँ 2:15 बजे। किसने जानकारी दी थी पुलिस? मुझे खुद फोन कराया थी पुलिस ने। जी जी। अच्छा, मुझे खुद फोन कराया था। अब तक जो है कितनी बार घटना आपके साथ घट चुकी है? मेरे साथ नए मानो 1 जनवरी नए साल में हुई थी, फिर 4 तारीख को फिर हुई मेरे साथ। कौन सा महीना 4 तारीख? इसमें जो आज 12 होगी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो इसमें? भाई इसमें मेरा न्याय मिलना चाहिए मुझे, बस आदमी पकड़े जाने चाहिए।